पहले यहाँ पर दक्षिण भारत में आज से करोड़ों साल पहले केवल ज्वालामुखी हुआ करते थे और ये ज्वालामुखी भड़ाम भड़ाम फटते थे। नीचे से भूकंप आता है तो दाब देता है नीचे में, कहते हैं नीचे, तो नीचे में भूकंप फूस करके रह जाता है। महाराष्ट्र का जो जमीन है या पूरे दक्षिण भारत, पहले यहाँ पर दक्षिण भारत में आज से करोड़ों साल पहले केवल ज्वालामुखी हुआ करते थे और ये ज्वालामुखी भड़ाम भड़ाम फटते थे और इससे जो मैग्मा निकलता था वो जमीन पे जमा होता था और वह जमीन पे जमा होने के बाद पत्थर का रूप ले लेता था। मैग्मा का ही पत्थर टुकड़ा होता है जिससे आप घर की ढलैया कराते हैं ग्रेनाइट, वो मैग्मा का ही टुकड़ा होता है, वो बड़का बड़का मैग्मा जमा हुआ है। और यह जमाव जो हुआ है एक बार में नहीं हुआ है, ये करोड़ों साल तक होते 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 जम गया। इतनी मोटी परत है ना महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में, नीचे से भूकंप आता है तो दाब देता है नीचे में, कहते हैं नीचे, ऊपर हम खेत वाला जमीन थोड़े हैं रे, ग्रेनाइट है हम यहाँ पे, तो नीचे भूकंप फूस करके रह जाता है। लेकिन लातूर के पास ग्रेनाइट की कमी है और भूकंप एक बार महाराष्ट्र में आया ना, कहीं नहीं आया, केवल लातूर में चला है। अब वहां पे खाली जगह था, मारा उधिया दिया पूरी तरह से लातूर। तो भूकंप जोन दक्षिण भारत का एकमात्र भूकंपी जोन कौन आता है, लातूर, कौन आ जाता है, लातूर। मैग्मा के जमाव से एक चीज और भी याद रखिए कि वहां की नदियां ज्यादा साफ सुथरी होंगी, मिट्टी कम पाया जाएगा क्योंकि घिसावट कम होगी, समझ गया, हो गया, अपरदन क्या होगा, कम होगा, तलहटी में जमाव कचड़े का कम होगा। ये सब चीजें एक दूसरे से रिलेटेड होती है, इसको ध्यान रखना चाहिए। कब आया था भूकंप, आप लोग नहीं होंगे उस समय, 93 में आप लोग थे, 93, आप लोग तो इधर होंगे 1998 से 2004-5 के आसपास वाले, उस रेंज वाले हैं आप लोग, हाँ अच्छा हाँ, सन 2000 के लमसम वाले हैं आप लोग, 1993 वाले आप लोग नहीं हो, आगे बढ़े, हम लोग तो 80 वाले हैं। चलिए अब ध्यान दीजिए, वैज्ञानिक तो उतना भी पुराना नहीं है जी,